हेलो दोस्तों, कैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं गुफरान और आप देख रहे हैं गुफरान एंड दी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप अगर देखते हैं कि जब किसी का वीडियो चलाते हैं तो आप देखते हैं कि जो टाइटल होता है, टाइटल के पास में एक हैशटैग लिख के आता है, मतलब उसका जो नाम होता है वो नाम एक लिंक में बन के आता है, मतलब एक नीला नीला होता है, हैश लिखा होता है, जो भी उसका नाम होता है वो नाम लिख के आता है। जैसे मेरे ही देख लीजिए कि मेरा नाम आता है या मेरा टाइटल आता है, चैनल आप चलाते हैं तो मेरा जो टाइटल आता है डायरेक्ट में एक हैच टैग लिख के गुफरान एमडी लिख के आता है। ये कैसे होता है, कैसे सेव किया जाता है, कैसे वहाँ पर लिंक तैयार किया जाता है, कि ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मैं सारी चीज़ वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको सारी चीज़ जानकारी हो जाएंगी स्टेप बाई स्टेप फॉलो करने के बाद। दोस्तों बस सबसे पहले यही करना है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दो, साथ ही में दोस्तों लाइक जरूर कर दो दोस्तों। वीडियो बहुत कमाल और धमाल की होने वाली है दोस्तों, लाइक जरूर कर दो दोस्तों, लाइक कर दो और शेयर भी दोस्तों करना। निकल पहले वीडियो देख लेते हैं दोस्तों। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में करते हैं कि अब चलते हैं अपने मोबाइल फोन स्क्रीन पे, और फोन स्क्रीन पे चलने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। होम पेज पे आएंगे, होम पेज आने के बाद आपको YT स्टूडियो में जाना पड़ेगा, जिसमें YT स्टूडियो, अगर आप YouTube चैनल आपका है तो आप अच्छे तरह जानते हो YT स्टूडियो क्या होता है। इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको प्रॉब्लम कोई ना हो। अगर हो सकता है कि आपके पास कि YT स्टूडियो के बारे में जाना जानते हो या उसके बारे में कोई जानकारी ना हो तो आप कमेंट करना, तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे कि YT स्टूडियो होता है क्या, उसके अंदर कौन कौन से फीचर होते हैं और क्या क्या उससे कर सकते हैं, वो सारी चीज बता दूंगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अपने YT स्टूडियो में, और YT स्टूडियो में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम उस वीडियो को सेलेक्ट करें जिस वीडियो में हमें हैशटैग लगाना है। दोस्तों हैशटैग लगाना जिस वीडियो में, उस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। इस तरह इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको पेंसिल पे सबसे पहले क्लिक करना है, ऊपर वाले पेंसिल पे क्लिक करना है, और पेंसिल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है। दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में सबसे नीचे देखो, बीच में थोड़ा दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन, और इस पे सिंपली से आपको क्लिक करना है। सिंपली से क्लिक करेंगे जो आपका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, जो आपने वीडियो में पहले से एडवांस से ले लिख रखा होगा, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हैशटैग वाली बात है कि आप हैशटैग कैसे लगाएंगे। हैशटैग लगाने के बाद आप तो कुछ भी लिख सकते हैं। हैशटैग कैसे लगाना है दोस्तों, हैशटैग लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से आप जो भी आप हैशटैग लगाना चाहते हैं, या वीडियो का हैशटैग लगाना चाहते हैं, या अपने नाम का लगाना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ का हैशटैग लगाना चाहते हैं दोस्तों, आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में आ चुके हैं, यहाँ पर सिंपली से क्या करना है, यहाँ पर आपको हैच क्लिक करना है। हैच क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो नाम है या नाम है जो भी आपको, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। लेकिन एक बात ध्यान है, यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना है, मतलब बीच में जो जगह छोड़ी जाती है वो आपको नहीं छोड़नी है, वो जगह नहीं छोड़नी है, और आपको जो भी लिखना है वो एकदम मिला के सबको लिखना है, एकदम मिक्स करके लिखना है, आपको स्पेस नहीं देना है। आपको स्पेस देंगे तो आपका जो हैशटैग है वो आपका हैशटैग नहीं बन पाएगा, आपको स्पेस नहीं देना है। और स्पेस हैशटैग और स्पेस नहीं देना है आपको लिखने के बाद। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं अपने गुफरान लिखना है, गुफरान एमडी, तो मैं अपना हैशटैग लगा देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ गुफरान एमडी। उसके बाद लिखने के बाद थोड़ा बैक चलते हैं, बैक ऐसे डायरेक्ट बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं तो सेव का बटन दिख रहा है, सेव पे क्लिक करें, और दोस्तों हमारा हैशटैग लग चुका है। अब दोस्तों मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लगा। दोस्तों चलते हैं अपने YouTube में, और यहाँ वीडियो सर्च कर लेते हैं अपना YouTube चैनल, और सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कोई भी अपना वीडियो चला लेते हैं, जो भी वीडियो मैंने सेलेक्ट किया था उस वीडियो को अपना ओपन कर लेते हैं, चला लेते हैं। देखिए दोस्तों हम अपना वीडियो चला लेते हैं, वीडियो चलाने के बाद देखिए दोस्तों सबसे नीचे हमारा जो टाइटल आ रहा है, टाइटल के नीचे एक मेरा जो लिंक आ रहा है एकदम ग्रीन का, वो हैशटैग गुफरान एमडी, ये हैशटैग आ रहा है। दोस्तों ऐसे हैशटैग लगाया जाता है,
ये सारी चीज़ आपको पता चली है। बात आपको एडवांस से पता थी या नहीं पता थी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में, क्योंकि हैशटैग ऐसा होता है कि आप लिंक बना सकते हैं उसे, आप लिंक बना सकते हैं, किसी को शेयर करना है या किसी को कुछ करना है तो आप लिंक डायरेक्ट दे सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल की अगर हमारी वीडियो में अगर आपको या हमारे वीडियो में अगर आपको प्रमोट करना है या हमारे जो कमेंट पढ़ते हैं उनमें अगर डालना है तो आप लिंक तो डाल नहीं सकते, क्योंकि लिंक अगर डालेंगे तो आपको YouTube की तरफ से भी गाइडलाइंस है कुछ और हमारी तरफ से भी ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको हैशटैग लगा कि आप अपना नाम या अपना जो चैनल का नाम है वो डाल सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि अगर कोई मेरा चैनल मेरा जो कमेंट में पढ़ेगा या मेरे कमेंट पे आएगा, मेरे वीडियो पे आएगा, तो आपका भी वो जो हैशटैग जो है आपका चैनल भी देख सकता है। वहाँ पे आपको चैनल जो है वहाँ पे जाकर आपका चैनल देख सकता है, कैसी वीडियो आप तैयार करते हैं, कैसी वीडियो बनाते हैं, और आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ सकता है, व्यूवर भी बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों आपको हैशटैग लगाना चाहिए, और दोस्तों ये दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और कमेंट में बताइए कि इसके बारे में पहले से आपको पता था या नहीं पता था, आप कमेंट में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।